और अब बात करते हैं कन्नौज की, जहां छिबरामऊ और जिला अस्पताल में गर्भवती को भर्ती न करने का मामला सामने आया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं। गर्भवती ने टेम्पू में बच्चे को जन्म दिया था। वहीं बताया जाता है, खबर को डिप्टी सीएम ने संज्ञान में लिया है। प्रसव पीड़ा के बीच टेम्पू में बच्चा जन्मा था। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद अधिकारियों में खलबली मची हुई है। सीएमओ विनोद कुमार ने कहा कि जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम को अस्पताल भेजा गया है। इसे जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, दिक्कत हो जाएगी, पता जच्चा बच्चा को दिक्कत नहीं। इसको लेके गए कन्नौज जिला अस्पताल। फिर क्या हुआ? उसने मना करा, वहाँ कन्नौज रहने वाले हैं छिबरामऊ के, तो उन्हें कही कि जिला अस्पताल ले जाओ, तो ठीक है भैया का ना बताया गाड़ी हमें ले देते बताया, तो उसने हाथ भी नहीं लगाया, कतई इसको कानपुर ले जाओ, छिबरामऊ वाले साले मरीज हमारे यहाँ भेज देते हैं। अच्छा। हम भी नहीं करेंगे, कानपुर के लिए रिपोर्ट कर दिया। कौन मिला था आपको? मैडम अति क्या कहा? कई कहना छिबरामऊ के सब यही भेज देते कन्नौज, भर्ती नहीं किया। भर्ती कतई हाथ नहीं लगाया, मेरी बहू जो चिल्लाए रही थी, हमारी बहू किलबा ने हाथ भी नहीं लगाए, छुआ तक नहीं। तो फिर इनकी डिलीवरी कहाँ पे हुई है? यहाँ कहाँ, किस चीज में? यही जलमा जाएगा, टेम्पू के अंदर ही जाएगा, ये सब कपड़ा पे हमें यही जलम पर। ठीक।